यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुनानगर के रेलवे स्टेशन हमीदा के पास जो अंडरपास है, उसी अंडरपास पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पिछले कई सालों से झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले ये गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर काफी सालों से रहकर पालन पोषण कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन ऐसे में चुनावों से कुछ समय पहले ही सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आता है। सरकार के द्वारा यहाँ से इन लोगों को हटाया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। बेहद ही इन लोगों के अंदर इस मुद्दे के चलते रोष नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले चुनावों में इन लोगों का जो रोष है उसका असर चुनावों में देखने को मिल सकता है? लेकिन सरकारी जमीन जरूर है, लेकिन चुनावों से पहले आखिरकार इस तरह के बड़े फैसले का आना या इस पर कार्यवाही होना आपस मतलब अपने आप में बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसे में ये लोग अब यहाँ से झुग्गी झोंपड़ियों से अगर चले जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो ये गरीब तबके के लोग क्या किसी दूसरे घर में रहकर उस मकान का किराया भर पाएंगे या फिर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे? ऐसे में देख सकते हैं बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी जमीन पर अपना पैर रखकर कदम बढ़ाना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन माई इस समय बहुत ही ज्यादा चिंता में नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले 40-40 सालों से ये तमाम लोग यहीं पर रह रहे थे, लेकिन आज इनकी झुग्गी झोंपड़ियों को यहाँ से हटाने का सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आ जाता है। हालांकि सरकारी जमीन है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर काफी रोष देखने को मिल रहा है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आप लोगों से अपील जरूर करना चाहूंगी, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चीजें और ये खबर वही समझ सकता है जो पहले इस तरह के हालातों का सामना कर सका या जो पहले इस तरह के हालातों से गुजर चुका हो। तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, नरेश सर क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है आपके साथ यहाँ पर? देखो 40-50 साल गुजर गए, पहले जमुना किनारे में रह रहे थे, उसके बाद ये अंडरग्राउंड बने, फिर वहाँ से उपटा दिया काकी जो इधर रह जाओ, उसके बाद जाकर हम लोग इधर जुगी बना लिए। तीन उपटान हुआ, चार उपटान यहाँ से हुआ जमुना किनारे से, उसके बाद जाकर इधर आ गए। अब यहाँ से कह रहा है कि जो मान लो हटा लो झुग्गी झोपड़ी। भैया आप बताओ क्या हुआ? मैं बता रहा आपको सही से बात, हमारे को कोई नोटिस कागज में लिख के नहीं दिया गया। आए उन्होंने दो बार, एक बार पहले आए उन्होंने कहा जी अपनी झुग्गी झोपड़ी हटा लो, 25 के 26 तारीख ऐसे ही कुछ टाइम दे गए। कुछ खा रहे हो ना, दिमाग में चढ़ गया इसमें, परे हो जाओ। 25 या 26 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था, ठीक है जी। कल हम गए थे घनश्याम दास जी के पास, उन्होंने कहा कि चलो 1.5-2 महीने का भी टाइम दो, इलेक्शन का टाइम है जी। तो हमें कहा चलो 1.5-2 महीने का टाइम मिल जाएगा, हम चलो आगे जी। हम कहा चलो 1.5-2 महीने में कोई इंतजाम कर लेंगे। फिर शाम को तीन पुलिस वाले आए GRP में से, मैं बोल नहीं सकता जी, ऐसे ऐसे गालियाँ देख गए हैं जनानियों और को, बाकी ये मेरी मम्मी बता देगी आपको। आप बताएं जी क्या बात, बच्चे को रोक क्यों रही हैं बोलने? कल बच्चे आए थे, बच्चा बोल रहा है, उसको रोक क्यों रही हैं आप? बस इस तरह बच्चे पे बोल भी कुछ तो आप सच बताना फिर क्या हुआ है? कल आए पुलिस वाले, पुलिस वाले आने के बाद हमारी लड़कियां खाना बना रहे थे, हम सब्जी लेने गए थे, हम घर में थे नहीं। उन्होंने कहा अगर जाते हो तो ठीक हो, नहीं तो ऐसे गंदे की बातें बनोगे। अरे तो ऐसे लड़कियां आई, बहुएं हैं हमारी, सारे जवान लड़कियों को गाली काट के गए पुलिस वाले, चार पुलिस वाले आए थे। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हम 40 साल से रहे। तो आपको तो ये पता होगा कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है, हमारे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएं? पहले नहीं देखा ये चीजें आप? जो हमारे यही नहीं, हमारे यही काम है, हम बाहर रहते हैं, कूड़ा कबाड़ चिपते हैं। सरकारी जमीन पर आप लोगों ने अपना मतलब रिहायश बनाई है, झुग्गी झोपड़ियां लगाई है आपने, लेकिन आपको नहीं पता था आने वाले समय में आपको कभी भी यहाँ से क्या पता लगेंगे? जब हम जितने कमाते उतने हमारे बच्चे खाते हैं, स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ाते हैं, कहाँ से हम करें जमीन, कहाँ से लिखने लगे? जो कमाते हैं मान लो 200-250 रुपए दिहाड़ी मिलती है, तो इसका कसूरवार आप किसे मानते हैं? झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं, किस कौन कसूरवार है इसमें? कसूर किसी को नहीं मानते, मान लो आप हटा दिए तो हमें कहीं जगह तो दो बैठने के लिए, फिर आपके काम लगेंगे, आप जगह देना हम हट जाएंगे। एक हरियाणा में कहीं भी पंजाब में जो दिल्ली राजधानी है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है रेलवे किनारे, जो चंडीगढ़ इतनी बड़ी राजधानी है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ भी मकान दिया हुआ बना के, चाहे हमें मकान बना के ना दो, जगह तो दो कहीं, हम अपना मेहनत करके कहीं बना लेंगे। तो अपनी इस समस्या को लेकर कहीं गई हैं आप? अपने हम गए हर जगह, गए कहाँ गए? हम गए पहले कोर्ट में,
कोर्ट में दो तीन पुलिस वाला हमारे फोटो खींच के ले लिया, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ डीसी साहब बैठते, वहाँ डीसी साहब बैठते, और कल एसपी साहब को दरखास्त दी, एसपी साहब ने दरखास्त लेके कुछ बताया नहीं उन्होंने, चले। फिर किसी ने बोला जी एमएलए साहब के जाओ, एमएलए साहब पे गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया रहने दो, उनके रिक्वेस्ट करने के बाद शाम को धमकियाँ दे के गए। अभी आप क्या क्या मांग है आप लोगों की? हमें दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, हमें कहीं जगह दिया जाए, दो तीन महीने का कम से कम टाइम दे। ऐसे में आपको क्या लगता है कोई ठिकाना मिल पाएगा आपको? बिल्कुल मिल कर लेंगे हम, कहीं ना कहीं तो कर ही लेंगे जी, जब हमें पीछे एकदम ही कहेंगे। पीछे हट जा बेटा तुम, पीछे हट जा, जगह तो पड़ी है। जी जी जी, चलिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जिनका कहना है, जिनका मानना है कि पिछले 40-50 सालों से इनके जो दादा हैं, परदादा हैं, वो सब यहीं पर रहते थे। और ऐसे में सरकारी जमीन पर सरकार के द्वारा चुनावों से कुछ समय पहले एक बड़ा फैसला सामने आ जाता है इन्हें यहां से हटाने के लिए, इनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए एक बड़ी कार्यवाही प्रशासन के द्वारा अमल में लाई गई है। हालांकि 3 से 4 जो झोपड़ियां हैं वो रात के समय जो है वो कुछ मुलाजमों के द्वारा तोड़ी जाती हैं, जिस तरह के ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बेहद इस समय यह मामला गरमाया हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है। 2 से 3 महीने की लगातार हमारे चैनल के जरिए प्रशासन के आगे सरकार से मांग मतलब जो है करते नजर आ रहे हैं, ताकि इन लोगों का मानना है कि हमें कोई सही जगह मिल जाए और ऐसे में हम कहीं और जाकर अपने बच्चों के साथ पालन पोषण कर सके। लेकिन मेरी आप लोगों से यह अपील रहेगी, इस खबर को शेयर करें और देखते हैं क्या कुछ इसमें कार्यवाही अमल में लाई जाती है और जो इनकी मांगे हैं कि वो सरकार तक पहुंचती हैं, कि सरकार इन्हें आने वाले समय में यहाँ पर 2 से 3 महीने का रहने का समय दे पाती है। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट।